आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। घटना आज से 10 साल पहले की है, जब मैं बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। दरअसल मैं रहने वाला तो बंगाल का था, मगर उन दिनों मेरी नौकरी बिहार में लगी थी, तो मैं अपने परिवार से अलग अकेले ही रहता था। शहर में रेंट ज़्यादा होने के कारण मैंने शहर से थोड़ी दूर एक गांव में भाड़े का घर लिया था और बाइक के सहारे ऑफिस आना जाना करता था। बाइक चलाकर ऑफिस आने या जाने में मुझे लगभग आधे घंटे का वक्त लगता था। वैसे तो मेरी ऑफिस से छुट्टी शाम के 7 बजे तक हो जाती, मगर उस दिन ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम होने के कारण मुझे निकलने में काफ़ी देरी हो गई। मैंने जब बाइक स्टार्ट किया तो वक्त हो रहा था 8:30 बजे का और मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर तो रास्ते पर काफ़ी चहल पहल थी, मगर जैसे ही मैं गांव के रास्ते पर पहुंचा तो अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। पूरे रास्ते पर मेरी बाइक के हेडलाइट को छोड़कर और किसी भी तरह की कोई रोशनी नहीं थी। मैं अकेला ही उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। ऊपर से दिसंबर महीने की आखिरी हफ्ते की ठंड मुझे अंदर से झिंझोड़ कर रख दे रही थी। मेरे घर जाने के 2 रास्ते थे, एक तो ये और दूसरा जिससे मैं 10 मिनट जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। हालांकि वो रास्ता कब्रिस्तान के भीतर से होकर जाता था, मगर वो कब्रिस्तान काफ़ी सालों से बंद है और मैंने भी कई बार उस रास्ते से आना जाना किया था, इसलिए मैंने कब्रिस्तान के अंदर से जाने वाला रास्ता चुना। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के गेट के पास पहुंचा तो मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने अपना बाइक रोका तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे इस रास्ते पर जाने से रोक रहा हो, जिस पर मैंने मन ही मन कहा, मैं तो इससे पहले भी काफ़ी रात को इस रास्ते से आया हूँ, तो मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तुरंत ही अपनी बाइक स्टार्ट की और कब्रिस्तान वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। कोहरा इतना छाया था कि मेरी बाइक के हेडलाइट की रोशनी में सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। सन्नाटा इस कदर फैला हुआ था कि मानो ये कब्रिस्तान इस दुनिया में हो ही नहीं। अभी मैंने आधा कब्रिस्तान पार किया ही था कि तभी मेरी बाइक पिकअप छोड़ने लगी और बंद पड़ गई। मैंने काफ़ी बार सेल्फ मारकर बाइक स्टार्ट करने की भी कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने 2-3 बार फिर भी किक मारा, मगर बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मैंने बाइक की टंकी खोलकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बाइक की टंकी में तेल का कोई नामो निशान तक नहीं था, मगर ये मुमकिन ही नहीं था। मैंने आज सुबह ही बाइक में पेट्रोल डलवाया था, तो मेरा उतना सारा तेल गया तो गया कहाँ। अब मैं काफ़ी बुरी तरह से फंस गया था और ठंड भी इतनी बढ़ गई थी कि मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मेरे शरीर के अंदर की हड्डियाँ भी कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कि तभी बगल के झाड़ियों में मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही मैं उधर मुड़ा तो वो हलचल बंद हो गई। अभी मैं खड़े खड़े उन झाड़ियों की तरफ देख ही रहा था कि तभी बहुत सारे कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी, जो इस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। मुझे पता चल गया था कि अब इस जगह पर रुकना ठीक नहीं होगा, तो मैं बाइक ढकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी बाइक अचानक से भारी हो गई, वो भी इतनी कि मुझसे बाइक 1 इंच भी हिल नहीं पा रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने ठंड में भी मेरा चेहरा
पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल मेरी बाइक को पीछे से एक कटे हुए हाथ ने पकड़ रखा था, जिस कारण मेरी बाइक हिल तलक नहीं पा रही थी। ये देखकर मेरे शरीर में अफरा तफरी मच गई और मैंने बाइक को वहीं छोड़कर दौड़ लगा दी। भागते भागते मेरी नज़र उसी कब्रिस्तान के एक पेड़ के नीचे बैठे दो तीन आदमियों पर गई, जो आपस में बातें कर रहे थे। मैं दौड़कर उन आदमियों के पास गया और अपनी पूरी आप बीती उन्हें बताई। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि उन तीनों आदमियों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे, वो भी सफ़ेद रंग के। खैर, मेरी पूरी बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने कहा, कहाँ पर है वो कटा हुआ हाथ, चलो हम देखते हैं। जिसके बाद मैं उन तीनों के साथ उस जगह पर आया जहाँ मेरी बाइक जमीन पर गिरी हुई थी, मगर वो कटा हुआ हाथ कहीं दिख नहीं रहा था। मैंने जल्दी से बाइक उठाया और वापस से ढकेलते हुए आगे बढ़ने लगा। वो तीनों आदमी भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला, वो तीनों आदमी गेट पर ही रुक गए और उनमें से एक आदमी ने कहा, अब तुम्हारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। उस आदमी के इतना कहने पर मैंने जब अपना बाइक स्टार्ट किया तो सच में मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। फिर जब मैंने दोबारा से टंकी खोलकर देखा तो पता नहीं कहां से उसमें पेट्रोल आ गया था। फिर उस आदमी ने कहा, वो एक छलावा था और वो कटा हुआ हाथ इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। और इतना बोलकर वो तीनों आदमी मेरी आंखों से ओझल हो गए। ये देखकर मैं और सहम गया और तेजी से बाइक भगाकर घर पहुंचा। मगर मुझे कहां पता था कि मेरे साथ अभी इतना कुछ होने वाला है। घर पहुंचकर मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। उसके फ़ोन उठाते ही मैंने सारी बात उसे बता दी, जिस पर उसने कहा, तू डर मत, मैं अभी आता हूँ। उसके मुंह से ये बात सुनने के बाद मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मेरे दोस्त अरुण को आने में अभी 10 मिनट का वक्त लगने वाला था। तब तक मैं बिस्तर पर लेट गया और अरुण का इंतज़ार करने लगा। अभी 5 मिनट गुजरे ही थे कि तभी अचानक से बिजली चली गई। बिजली के जाते ही मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मैं वापस से चारों तरफ वो डरावना अंधेरा और सन्नाटा महसूस करने लगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मोमबत्ती जला पाऊँ। किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाकर मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बिस्तर पर से नीचे उतरकर मोमबत्ती ढूंढने लगा। अभी मैं मोमबत्ती ढूंढ ही रहा था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ से मानो मेरे शरीर में करंट सी दौड़ने लगी। डर से मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मगर वो दस्तक बार बार हो रही थी। मैंने अपने मन में सोचा कि शायद अरुण होगा और इसी बात को सोचकर मैं दरवाजे की तरफ आगे बढ़ने लगा तो वो आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर वही कटा हुआ हाथ था, जिसने मेरे पैरों को पकड़कर खींच लिया और मुझे घसीटता हुआ मेरे घर के पीछे झाड़ियों की ओर ले जाने लगा। मैं बचने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर उस हाथ की शक्ति के आगे मैं बेबस था। वो कटा हुआ हाथ मुझे घसीटते हुए जंगलों के अंदर एक औरत के पास ले गई। उस औरत की शक्ल पूरी तरह से सड़ी हुई थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। मुझे देखते ही पता चल गया कि वो हाथ इसी औरत का है। ये देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। अभी वो औरत मुझे मारने ही वाली थी कि तभी मेरी चीख सुनकर वहाँ 2-4 आदमी आ गए और उसके आते ही वो कटा हुआ हाथ और वो औरत कहीं गायब हो गई। उस दिन तो मेरी जान बच गई, जिसके बाद मैं अपने परिवार के पास वापस चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं
तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।